कैड कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डोम कमांड क्या है और इसे 3D ऑब्जेक्ट्स में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इंसर्ट में जाइए, फीचर में जाइए। फीचर में सारे कमांड्स होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे होते हैं, ड्राफ्ट, शेल, रिब। यहाँ पे एक कमांड है डोम, सेलेक्ट कीजिए। अब हमने डोम सेलेक्ट किया, ये विंडो पॉपअप हुई। अब ये पूछ रहा है कि सरफेस फेस टू डोम, हम ये सरफेस सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट करते ही ये डोम की शेप ले ली। यहाँ आप डायमेंशन लिख सकते हैं 25, और आप इस शेप की मदद से अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, यहाँ एक 3D डोम तैयार हो गया। तो ये डोम कमांड था, इसे एडिट कीजिए। आप चाहें तो लो दे सकते हैं, रिवर्स देकर देखते हैं। रिवर्स नहीं ले रहा है, एक्चुअली जरूरत से ज़्यादा है, 2 mm। अब ये इनसाइड डोम हो गया, ये डोम डाउनवर्ड साइड में हो गया है, 2 mm की वजह से दिख नहीं रहा है। एक और फेस हम सेलेक्ट करते हैं डोम के लिए, फीचर में जाइए, डोम। अब हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, फेस सेलेक्ट कीजिए इसे, और डोम को जो भी साइज देनी है आपको। टेन एम एम, ओके। तो ये देखिए, ये छोटा सा एक डोम तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे एडिट करके 20 mm कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक डोम शेप तैयार हो गई एक पर्टिकुलर फेस पे। आप इसे एडिट कीजिए। अब यहाँ एक ऑप्शन है कंटिन्यूअस डोम, इसे अनचेक कीजिए। तो ये देखिए, ये नेचुरल डोम तैयार हो गया, ये देखिए। तो डोम कमांड का बहुत ही इस्तेमाल है सॉलिड वर्क्स में। हम आगे देखेंगे कि इसे किस तरह हम अपने एक्सरसाइज में यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए।